और धनी भाग ये थी क्या? और मीरल साईं ने से कैसे कर दिया मेरे साथ? ये से ला दिया यार। और थानेदार साहब, हालात की नजाकत को समझो। इस वक्त अगर पीरज सरकार और मीरल साईं तुमसे ला ताल्लुक का ऐलान ना करते तो उनकी खुद की पोजीशन मशकूक हो जानी थी। मगर मैं, मेरा क्या होगा? और मेरी तो वर्दी उतर गई उनकी खिदमत करते करते। ये सिला दिया है मुझे। थानेदार साहब, अब बुरा मत मना, और तुमने भी अपनी खिदमत का पूरा पूरा सिला वसूल किया है सरकार से। मगर अब तुम उनके किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि तुम आ गए हो कानून की नजर में। इसका मतलब लंगड़े घोड़े पे रेस में कोई बाजी नहीं खेलता। तुमने अपनी वफादारी की दौड़ में जितना दौड़ना था ना, दौड़ दिया। अब सरकार को एक दमदार घोड़े की जरूरत है। मेरे पास हम धनी बख्श, हवेली के बहुत सारे राज हैं मेरे पास, कर मैंने अपनी जबान खोल दी ना। नो 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 नो, ऐसा ख्वाब में भी मत सोचना, क्योंकि एक बात ना आप बोल रही हूँ शायद, और आपकी बीवी और इकलौता छोटा सा बच्चा भी तो इसी इलाके में रहता है। उसके बारे में भी सोचना चाहिए आपको। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि ये जो इंक्वायरी हो रही है ना, इसको भुगतो, और जो भी छोटी मोटी सजा मिलती है वो कबूल करो और इस इलाके से चलते पर। बस यही पैगाम देने के लिए मैं आया था। आगे तो आप खुद समझदार हो ना, है कि नहीं?